मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। तो पहले के जमाने में सचमुच में ईश्वर के रास्ते जाने वाले लोग मिलते थे तो गुरुजी गढ़ाई के लिए सचमुच उनको इलाज देते थे। अब ईश्वर के रास्ते जाने वाले सच्चे साधक ही नहीं मिलते तो चलो भाई कच्चे मिलते तो अपने पाठ भी कच्चे, तुसी भी कच्चे तो तेरे पाठ भी कच्चे, तब तक चलता रहे कभी तो पक्का होगा। नहीं तो ईमानदारी से चलने वाला हो तो गुरु एक से एक बढ़िया कोर्स देके पार कर दे फटाक से। लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं किसी की, पुचकार के चलाना पड़ता है। पुचकार के, वाह भाई वाह, ठीक पुचकार के। मन पसंद काम तो कुत्ता भी कर लेता, पूंछड़ी ला लेता। मैं यहाँ टाटा ले जाऊं, अब मैं यहाँ सत्संग में आऊं, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं, तो आपका अहंकार और अहंकार है और मन के दास हो आप, माया के दास हो। हम माया दुरत्या, इसलिए भगवान की भक्ति करते समय प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान तू ही रक्षा करे, तेरी प्रीति दे। भगवान की प्रीति अहंकार की प्रीति मिटाए, और क्या करे। भगवान का ज्ञान सुने ताकि अहम का अपना जो घुस बैठा है, मैं विद्वान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा, मैं, अरे मूर्ख तो सोच तो सही, एक पानी की बूंद से तो तेरी यात्रा शुरू हुई और राख की मुट्ठी में तो तेरे शरीर की यात्रा पूरी हो जाएगी। इसमें मैं क्या लेके घूमता है। भगवान बुद्ध के चरणों में कोई साधु होने को जाता अथवा शांति पाने को जाता तो बुद्ध कहते, अच्छा भिक्षुक बनना है, 3 महीने शमशान में जाकर रो, सादृश्य योग करो, जब भी कोई मुर्दा जले तो अपने मन को बताओ कि ये मानो मेरा ही शरीर है, उसका आज जल रहा है तो कल ये जलेगा, आंखें सुंदर है, नाक बढ़िया है, वो सब ऐसे ही हो रहा है। रोज बॉडी को देखते सजाते आईना देखते उसकी ये हालत हो रही है। मुर्दा जले तो उसके साथ सादृश्यता करो, सादृश्य योग नाम दिया बुद्ध ने, ताकि फिर ये ना रहे कि मेरी दाढ़ी बढ़िया है, मेरी मूछें बढ़िया है, अथवा मैंने मुंडन कराया, टाल बढ़िया है, आज मैं कैसा लगता हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कौन चाहता है। शरीर चाहता है कि आत्मा चाहता है, अहम चाहता है। बहुत अच्छा लगा, आत्मा को लगा कि अहम, शरीर को लगा कि अहम को लगा, बेकार हो गया, बड़ा नहीं सब, मजा नहीं आया। ये आत्मा को मजा नहीं आया कि शरीर को मजा नहीं आया, अहम को। और अहम को इतना सजाने की अटकल है, सुरक्षित रखने की, कि चाहे गुरु हो चाहे तेजस्वी हो कुछ भी, जैसे भी अपने अहम को मजा आए ऐसा सेटिंग करके गुरु के आगे पेश हो जाएंगे। और सब कुछ करो लेकिन इसको मत तोड़ो, यही तो हम है। और सब कुछ करो लेकिन इस अहम को मत तोड़ो, क्योंकि यही तो बने बैठे अपन। इस नगर का राजा तो अब साधु बन गए, और इतने त्यागी महाराज क्या कहे। उनके त्याग की महाराज अद्भुत महिमा है। इतना बड़ा राजपाट सब छोड़ के चले गया राज्य के एक दूर जंगल में, और कुटिया में नहीं बनाई, गुफा में रहते। और वो राजा साहब इतने ऊंचे कोटि के त्यागी महात्मा बने हैं कि महाराज क्या बताएं। 24 घंटे में एक बार गुफा से बाहर आते, सिर नीचे रखते, नासाग्र दृष्टि रखते, अलग निरंजन, दो चार घर घूमते, भिक्षा मिली, फिर अपनी गुफा में चले जाते। वे भले, उनके प्रभु भले, 24 घंटे के बाद फिर एक बार निकलते, कुछ नहीं खाते रूखे सूखे के सिवाय। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, नहीं बहुत कुछ खाते हैं। बोले, नहीं नहीं महाराज,
बोले त्यागी हैं महाराज, कुछ नहीं खाते, त्यागी हैं, इस प्रकार की यश को खूब खाते। हम देखेंगे। मच्छिंद्रनाथ ने देखा भूतपूर्व राजा अब विरक्त त्यागी, मैं कुछ भी नहीं हूं, एक छोटी सी कोपिन थी बस, मेरा संगोचा लोक लज्जा निवारण अर्थ लपेट लिया, भिक्षा लेके जा रहे थे। मच्छिंद्रनाथ धीरे धीरे उनके पीछे लगे और चलते चलते मच्छिंद्रनाथ ने उनको जरा धक्का मार दिया। तो महाराज ने कहा, तुम साधुओं के भी ऐसा करते हो, देख के नहीं चलते हो? अगर कुछ महीने पहले तुम ऐसे अंधे होते तो तुमको पता चल जाता कि किसको तुमने टक्कर मारी, लेकिन अब क्या करूं, मैं त्यागी हो गया हूं। मैं जब राजा था उस समय तुम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि अभी भी वो ही राजा बैठा है, अभी भी बैठा है। नहीं नहीं महाराज, गलती हो गई। दो चार दिन के बाद मच्छिंद्रनाथ फिर चले, धक्का मारा। बोले महाराज, अब धक्का मार के तुम मेरे को क्रोधी नहीं बना सकते, अब मैं समझ गया आपको, मैं पहचान गया, अब मेरे को क्रोध दिलाना चाहते हैं, मेरे को अब क्रोध नहीं आता। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, बेटा क्रोध नहीं आता, अभी जिसको क्रोध नहीं आता वो मौजूद है, अभी वो मरा नहीं, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। आप अगर उस अहंकार को ईश्वर में मिलान मिटाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गुरु कितना कुछ उपदेश करे, कितनी कुछ शक्तिपात करे, कितना कुछ कृपा करे, प्यार करे, लेकिन काम कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। अपनी ओर से अपने अहम को मिटाने के लिए तुलना पड़ता है। तो साल भर जाओ भिक्षा मांगो, भिक्षा मांग के आया, फिर गुरु ने देखा कि अभी है, साल भर जाओ नगरों में बंजवाड़ी झाड़ू बुहारी निकालो, वो निकाला, जाओ साल भर गंधक बेचो, गंधक बेचे फेरी न, गंधक लो गंधक, और जो पैसे आए वो बांटे। आखिर 4 साल ये किया, तब कहीं वो अहंकार पकड़ में आया कि यही